ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड यूज करने वाले हो। आज की तारीख। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है? तारीख पे तारीख, यस। अगर आपको आज की तारीख नहीं लिख एक शॉर्टकट की के थ्रू अपने एक्सेल सेल में रखना है तो ये शॉर्टकट की आपको प्रेस करना होगा। आइए देखते हैं। तो अगर आपको आज की तारीख चाहिए तो प्रेस कीजिए कंट्रोल सेमी कोलोन, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की डेट से पुल करके आपको सेल में देता है, आपको प्रेस करना है एंटर। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी डेट शायद नंबर की तरह दिखे या फिर ऐसा फॉर्मेट रहे जो आपको पसंद ना हो, जैसा कि मान लीजिए समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको ये फॉर्मेट ऐसा चाहिए जहां जुलाई या जून या अगस्त मंथ लिखा आए, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 3 और आप देखोगे 99% कंप्यूटर्स में ऐसा ही फॉर्मेट आपके सामने आएगा। इन शॉर्ट, आपने पहले आज की तारीख को अपने सेल में एंटर करना है और फिर इसका फॉर्मेट अपना मनचाहा बनाने के लिए ये शॉर्टकट की प्रेस करना है। दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये याद कैसे रखें? वेल, सिंपल है। अगर आपकी डेट में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं डी एम वाई, तो बन गया कंट्रोल शिफ्ट 3, 3 एलिमेंट। जाते जाते आपको एक बोनस ट्रिक भी दूंगा रिगार्डिंग टाइम। आइए देखते हैं। अगर आपको अभी का समय अपने एक्सेल सेल में रखना है, तो अगर आप मेहनत करके लिखना चाहोगे 12:50 देन स्पेस देन PM कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फास्ट करना है तो प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलोन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलोन, अपने आप एक झटके में एंटर। आप में से कुछ दोस्त यहां पूछ रहे होंगे कि ऋषभ, मुझे डेट और टाइम एक ही सेल में चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट की है क्या? बताता हूं। अगर आप एक सेल में जाते हो, सबसे पहले कंट्रोल सेमी कोलोन ताकि आज का तारीख आ सके, उसी सेल में रहते हुए प्रेस स्पेस और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलोन ताकि टाइम भी आ सके, एंटर। तो अगर आप एक रिपोर्ट मेंटेन करते हो जहां पे जैसे ही कोई कुरियर या कोई ट्रक आपके प्रेमाइसिस में आता है, आपके फैक्ट्री में आता है, और आप उस टाइम को नोट करना चाहते हो, कहीं लिखना चाहते हो, तो मेहनत से बचें और प्रेस करें कंट्रोल सेमीकोलोन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलोन एंटर। ये बन गया आपका टाइम एंड डेट एक ही सेल के अंदर। अगर आपको इनके फॉर्मेट्स को चेंज करना है तो राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट सेल्स में जाइए या फिर स्मार्टली मेरी तरह प्रेस कीजिए Ctrl+1, क्योंकि Ctrl+1 आपको सीधा फॉर्मेट सेल्स में ले जाएगा और फिर आप चाहो तो डेट या टाइम में अपना मनचाहा फॉर्मेट चूज करके अपना आंसर बदल सकते हो। डेट वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट बदल जाएगा, दिखावा अलग लगेगा। कभी अगर ऐसा लगे कि आपका टाइम नंबर की तरह दर्शाया जा रहा है, तो आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+Shift+2। दोस्तों, ये Ctrl+Shift+2 कैसे याद रहे? सिंपल, आपके टाइम में 2 एलिमेंट्स होते हैं AM और PM, इसलिए Ctrl+Shift+2। आपके डेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं DMY, इसलिए Ctrl+Shift+3।